नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। सिरोही के पनिहारी गार्डन में राजस्थानी फिल्मी गीतों पर छात्राओं की नृत्य प्रस्तुति ने ऐसा समा बांधा कि दर्शक नाचने को मजबूर हो गए। मौका था सोमवार को महिला कॉलेज की ओर से आयोजित घुंघरू सांस्कृतिक कार्यक्रम का। सुबह 11:30 बजे कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इसके बाद पूजा मिस्त्री ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। कॉलेज प्रशासन और छात्र संघ कार्यकारिणी की ओर से अतिथियों का स्वागत किया। विद्यार्थियों से खचाखच भरे हाल और छात्राओं की हूटिंग के बीच प्रस्तुतियों का दौर शुरू हुआ। इसके बाद ऐश्वर्या सिंह ने लाया डाक बाबू लाया रे संदेशवा, रूपाली ने आई शुभ घड़ी महारे आंगन, सपना ने काजलियो, प्रियंका गर्ग ने हंसे तो वालो लागो, शोभा ने शुभ दिन आयो रे, मेघल चौहान ने डोला रे, मनीषा भावना ने सतरंगी राजस्थान, कल्पना माली ने घूमर गीत पर नृत्य प्रस्तुत किया। रेवदर क्षेत्र के मंडार पुलिस ने जुलाई में मंगरीवाड़ा सरहद पर जाखड़ पेट्रोल पंप पर हुई डकैती के मुख्य आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर पकड़कर गहन पूछताछ की। उसकी निशानी पर वारदात में प्रयुक्त 12 बोरी का देसी कट्टा व 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। थाना अधिकारी हमीर सिंह भाटे के अनुसार प्रकरण में पूर्व में विक्रम सिंह मगनाराम, दिनेश उर्फ बाबूजी व प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। शेष मुख्य इनामी आरोपी पालड़ी गुलाबगंज निवासी अरविंद सिंह पुत्र शैतान सिंह राजपूत को सिरोही से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर देसी कट्टा व जिंदा कारतूस बरामद किए गए। आरोपी से अन्य संपत्ति संबंधी वारदात के संबंध में पूछताछ जारी है। 18 फरवरी 2018 को मंडा थाना क्षेत्र में जाखड़ पेट्रोल पंप जो स्टेट हाईवे पर स्थित है, देर रात्रि में अरविंद सिंह एवं उनके गैंग के सदस्यों द्वारा हवाई फायर कर पेट्रोल पंप पर नकदी की लूट एवं डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया था। इसके अतिरिक्त मंडा थाना क्षेत्र में 4 माह पूर्व अरविंद सिंह एवं उसके साथी पिंटू सिंह द्वारा भैरूगढ़ व रेवदर के बीच में एक स्विफ्ट गाड़ी लूटी गई थी। दोनों ही वारदातों में मुलजिम अरविंद सिंह जो पेंडिंग चल रहा था इन दोनों प्रकरणों में मुलजिम को पाली से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।